सो हेलो विजार्ड विच और अनजान मगलू लोगो, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। और तो दोस्तों, आज मैं लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की एक्स्ट्रा हॉक्रक्स वाली दो थ्योरीज के बारे में बात करूंगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और हाँ, ये फैन थ्योरी ही है, बट हाँ, अगर ऐसा हो तो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट वापस आ सकता है अपने एक्स्ट्रा हॉक्रक्स की बदौलत। तो फर्स्ट थ्योरी की बात कर लेते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और पॉसिबल भी है। हम सबको पता है कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को प्यार वगैरह या किसी तरह की फीलिंग्स के बारे में नहीं पता था, और अब तक हमें दो टाइप के हॉक्रक्स के बारे में ही पता है। एक टाइप तो वो जिस तरह से लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने अपने ये पांच हॉक्रक्स बनाए थे, बट एक टाइप और भी है जिसे सूडो हॉक्रक्स कहते हैं। हैरी एक सूडो हॉक्रक्स था, बट बिना किसी प्रोटेक्शन के। लेकिन नगीनी भी एक सूडो हॉक्रक्स थी, लेकिन उसके पास हैरी से ज़्यादा प्रोटेक्शन थी। एंड जब लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को हॉक्रक्स की प्रक्रिया के बारे में पता चला था, तो उसे सूडो हॉक्रक्स के बारे में भी पहले से ही पता था। सो इन दी एंड हम सभी को पता है कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के हॉक्रक्स का राज जो है हैरी पॉटर को पता चल गया था। अब लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट आखिर एक्स्ट्रा हॉक्रक्स बनाएगा क्यों, उसे एक्स्ट्रा हॉक्रक्स बनाने ही क्यों है? तो सिर्फ एक ही केस में वो एक्स्ट्रा हॉक्रक्स बना सकता है, और वो तब है जब उसका राज खुल जाए। और इन दी एंड उसका राज खुल गया था। इसी रीजन के चलते उसने इन दी एंड एक एक्स्ट्रा हॉक्रक्स बनाने का डिसीजन लिया, जो कि एक सूडो हॉक्रक्स होगा। अब भाई उसने हॉक्रक्स बना रखे हैं, लेकिन अगर उसका राज किसी को नहीं पता है तो वो एक्स्ट्रा हॉक्रक्स बनाएगा ही क्यों? लेकिन अगर उसका राज खुल गया है तभी तो वो एक्स्ट्रा हॉक्रक्स बनाएगा, और इसीलिए वो एक्स्ट्रा हॉक्रक्स बनाने का निर्णय लेता है एक सूडो हॉक्रक्स को। तो वो बेलाट्रिक्स से प्यार व्यार नहीं करता था, बट उसे एक बच्चा चाहिए था जिसे वो सूडो हॉक्रक्स बना सके, और उसने ये सक्सेसफुली किया भी। डेल्फनी को उसने सूडो हॉक्रक्स बना दिया। अब लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने अपना ही बच्चा क्यों चुना सूडो हॉक्रक्स के लिए? तो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट और बेलाट्रिक्स इतने खतरनाक है, तो सोचो उनका बच्चा कितना खतरनाक होगा। और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को अपने बच्चे से किसी तरह का प्यार वगैरह तो होगा नहीं, क्योंकि उसे प्यार व्यार की फीलिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं। सो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग डेल्फनी को लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने सूडो हॉक्रक्स बनाया होगा। और हाँ, यहाँ पर डेल्फनी का जो कॉन्सेप्ट है वो कर्स चाइल्ड से रिलेटेड लेकर मत चलना, क्योंकि मैं कर्स चाइल्ड की स्टोरी को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ। अब यार बात करें कि आखिर एक सूडो हॉक्रक्स में लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट वापस कैसे आ सकता है, तो इसका कॉन्सेप्ट ज़रा मेरे कोर्स से बाहर है, क्योंकि ये बातें अभी तक हमें बताई नहीं गई है हॉक्रक्स से रिलेटेड। लेकिन ऐसा हो सकता है कि डेल्फनी के पूरे शरीर पर जो है लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का पूरी तरह से कब्जा हो जाए। अब दोस्तों, दूसरी थ्योरी भी इसी से रिलेटेड है, यानी लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट हॉक्रक्स इसीलिए बनाएगा जब हैरी पॉटर को या फिर उसका हॉक्रक्स का राज खुल जाएगा। ये थ्योरी भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। जब लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को पता चल जाता है कि हैरी पॉटर को उसके हॉक्रक्स का राज पता चल चुका है, तो वो सबसे पहले गॉन्ड फैमिली के घर जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि वो रिंग क्या पता वहीं हो, गॉन्ड फैमिली की रिंग जो स्लेजर स्लिथरिन की थी। बट वो रिंग वहाँ पर नहीं थी, क्योंकि एल्बस डंबलडोर ने वो वहाँ से निकाल ली थी, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो गया, और उसे कन्फर्म हो गया कि अब ये लोग हॉक्रक्स के पीछे ही पड़ेंगे, तो क्यों ना एक एक्स्ट्रा हॉक्रक्स बना लिया जाए। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने गॉन्ड फैमिली के घर में कोई एंशियंट चीज ढूंढी होगी, क्योंकि गॉन्ड फैमिली का रिलेशन स्लेजर स्लिथरिन के साथ भी था, और ये काफ़ी पुरानी फैमिली भी थी। तो शायद लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को वहाँ पर गॉन्ड फैमिली की कोई एंशियंट चीज मिल गई थी, और उसी चीज़ को उसने हॉक्रक्स बना दिया था किसी को मार के, और वो चीज़ वहीं पर रखी है, क्योंकि रिंग तो वहाँ से एल्बस डंबलडोर ने निकाल ली थी, तो किसी को अब क्या ही शक जाएगा गॉन्ड हाउस में। तो दोस्तों, ये थी लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की एक्स्ट्रा हॉक्रक्स की थ्योरी। और हाँ, इन थ्योरी में एक चीज सिमिलर है कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की आत्मा शायद इसीलिए लिम्बो में फंसी है, क्योंकि उसकी एक सोल अर्थ पे अभी भी हॉक्रक्स के रूप में मौजूद है। एंड इन माई ओपिनियन दोनों थ्योरी ही बेस्ट है, और डिस्कवरी इस चीज़ को अप्लाई करके हैरी पॉटर की मूवी फिर से स्टार्ट कर सकता है लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को वापस बुला के। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर जरूर बताना। और दोनों थ्योरी एक ही चीज़ से स्टार्ट होगी कि जब लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का हॉक्रक्स का राज खुल जाएगा, क्योंकि अगर उसके हॉक्रक्स सेफ है तो वो एक्स्ट्रा हॉक्रक्स बनाएगा ही नहीं, लेकिन अगर उसे पता चल चुका है कि उसके हॉक्रक्स का राज खुल चुका है तो वो एक्स्ट्रा हॉक्रक्स बनाएगा। आप लोगों को कौन सी थ्योरी सही लगी या ये दोनों थ्योरी बकवास लगी, तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर जरूर बता देना। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।